दंगाइयों का हो रहा है हिसाब, हथियार रखने वालों पर भी पैनी नजर। रात के अंधेरे में चोरी छिपे रेल की पटरी के रस्ते कर्फ्यू क्षेत्र से बाहर भाग रहे हैं दंगाई। ड्रोन से बचने के लिए घर के भीतर छिपाकर रख रखे थे ईंट, पत्थर व पेट्रोल बम। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुए दंगे का अब हो रहा है हिसाब, दंगाइयों पर कसा जा रहा है शिकंजा। दोस्तों, 8 फरवरी के दिन हल्द्वानी के बनभूलपुरा नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाए जाने के कार्रवाई के दौरान अवैध मदरसा हटाने पर अचानक से दंगा भड़क उठा था, जिसने खतरनाक रूप ले लिया था। आपको बता दें कि दंगे में 300 से ज्यादा लोग और कई पुलिसकर्मी व नगर निगम कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए थे और अब तक 6 लोग दंगे में मारे भी जा चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से ले रहे हैं। तो क्या है हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे की ताजा खबर, आइए जानते हैं इस टॉपिक के माध्यम से। दोस्तों, अतिक्रमण हटाने को लेकर बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए बवाल के बाद से जिला प्रशासन कानूनी रूप से दंगाइयों पर शिकंजा कस रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये निर्देश दिए हैं कि आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए। आपको बता दें कि हल्द्वानी में दंगे की आग अभी शांत नहीं हुई है, दूसरी ओर कानूनी कार्रवाई भी बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन में हैं। जहां एक ओर दंगाइयों का अच्छे से हिसाब हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अवैध तरीके से हथियार रखने वालों पर भी सरकार की पैनी नजर है। अब तक कई दंगाइयों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, वहीं आरोपियों के पास से अवैध हथियारों की बरामदगी के बाद डीएम वंदना सिंह ने 120 शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और तो और वहां कुछ नेताओं की सुरक्षा को भी वापस ले लिया गया है। वंदना सिंह ने वैसे पहले से ही ये निर्देश दे रखे हैं कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। दूसरी ओर दंगे के बाद बड़ी संख्या में रात के अंधेरे में दंगाई चोरी छिपे कर्फ्यू क्षेत्र से बाहर निकालकर भाग रहे हैं। जी हां दोस्तों, खबर ऐसी है कि रात के दौरान कर्फ्यू क्षेत्र से दंगाई बसों में सवार होकर रामपुर और बरेली की तरफ निकल रहे हैं। कई दंगाइयों के भागने का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है। दंगाई घरों में ताले डालकर भाग रहे हैं। भागते हुए कई दंगाई सीसीटीवी फुटेज में कैद हैं। इसी बीच प्रशासन की टीम को एक बड़ी खबर मिली है। दरअसल दंगे के बाद प्रशासन ने ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर दौड़ाई तो इलाके में किसी भी घर के छत पर पत्थर और पेट्रोल बम आदि नहीं देखने को मिले। दरअसल एक योजना के तहत ईंट, पत्थर, पेट्रोल बम दंगाइयों ने अपने घर में छुपा कर रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं दंगाइयों को पता था कि ड्रोन के जरिए उस इलाके पर नजर रखी जाएगी। दोस्तों, एक और हल्द्वानी में कानूनी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर यूपी भी हाई अलर्ट पर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार ने यूपी के कई जिलों में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए एक भारी सेना बल की तैनाती की है। जुमे के दिन की व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी थी। जगह जगह पुलिस की गश्त टीम शांति व्यवस्था को स्थापित करने में जुटी हुई थी। पुलिस ने गोरखपुर के धर्म गुरुओं से बातचीत करके भी ये अपील की थी कि वो अपने अपने मोहल्ले में लोगों से शांति बनाए रखने को कहें। दूसरी ओर योगी सरकार ने आगरा में साइबर सेल की मदद से सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए थे। सरकार के अनुसार अगर कोई भी सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। दोस्तों, हल्द्वानी हिंसा के दिन से वहां इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप है। इसके साथ ही वहां के स्कूल, कॉलेज और अन्य सेवाएं भी बाधित हैं। जगह जगह पथराव के कारण पत्थर बिखरे पड़े हैं। दंगे के दिन कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। दोस्तों, दंगे में घायल हुए कई पुलिसकर्मियों ने अपने बयान में ये कहा था कि ये दंगा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार हरकत में है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।